जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप भी SSC GD कॉन्स्टेबल के अभ्यर्थी हो तो दोस्तों आपको इंतजार होगा कि हमारा एडमिट कार्ड कब तक आएगा, साथ में हमारा मेडिकल प्रोसेस कब तक होगा। साथ में सबसे बड़ी खबर दोस्तों, क्या पहले आपका मेडिकल होगा या पहले आपका रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है। तो दोस्तों मैं विथ प्रूफ आपको सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर पहले क्या सही में पहले रिजल्ट आएगा या पहले मेडिकल होने वाला। दोस्तों मैं महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई है। दोस्तों आपने सुना होगा कि पहले रिजल्ट आएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी और बहुत सारे यूट्यूबर भी आपको यही बताया होगा कि आपका रिजल्ट है वो यहां पर पहले आने वाला है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि नोटिफिकेशन में भी यह चीज दी हुई है कि मेडिकल से पहले एक रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों यह मैं जानकारी आपको इस वीडियो में विद प्रूफ सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप SSC GD कॉन्स्टेबल के आती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों देखने के बाद में आपके सारे के सारे डाउट्स हैं वो यहां पर क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दें और साथ में दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास भी जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। और SSC कांस्टेबल GD कांस्टेबल के अभ्यर्थियों दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको SSC GD कांस्टेबल के मेडिकल से संबंधित भी डेली की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं क्या आपका पहले मेडिकल होगा। जी हाँ दोस्तों, SSC का पहले क्या मेडिकल होगा या पहले रिजल्ट आएगा या मैट लिस्ट आएगी। दोस्तों महत्वपूर्ण बात मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने SSC की साइड है उससे जो टोल फ्री नंबर लेके SSC CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली वहां पे कॉल भी किया होगा आपको। दोस्तों बहुत बार अगर आप कॉल करते हो तब जाके आपका कॉल वहां पर रिसीव किया जाता है। अगर किसी भाई का रिसीव किया है तो उन्हें एड्रेस पूछा होगा, उसका नाम और उसके फोन नंबर यहाँ पर पूछे जाते हैं। और दोस्तों वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप जरूर बताइएगा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसी के अनुसार मैं आपको सारी न्यूज बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों वो सारे अभ्यर्थी जिन्होंने SSC GD कॉन्स्टेबल का रिटर्न क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया है, उन्होंने नोटिफिकेशन जरूर अच्छी तरह से पढ़ा है। दोस्तों नोटिफिकेशन में एक चीज है वो साफ साफ शब्दों में दी हुई आपको मिलेगी कि पहले आपका रिजल्ट आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मेडिकल से पहले आपका रिजल्ट आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट आएगा पहले, उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो मेडिकल है वो यहाँ पर होने वाला है। बहुत सारे दोस्त ये बोलते हैं बार बार कि सर पहले मेट लिस्ट आएगी। दोस्तों मेट लिस्ट नहीं आएगी, पहले रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट किस चीज का है दोस्तों मैं बता देता हूँ, रिजल्ट आएगा आपका PET का। जी हाँ दोस्तों, PET आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आएगा कि कितने अभ्यर्थी, कौन कौन से अभ्यर्थी है जिनको क्वालिफाई किया गया मेडिकल टेस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया गया और कौन कौन से अभ्यर्थियों का कहां कहां पर कब कब आपका मेडिकल होगा, इससे रिलेटेड आपका एक रिजल्ट और आने वाला है। मेरिट लिस्ट दोस्तों अभी नहीं आएगी। मेरिट लिस्ट की बात करें तो जैसे ही दोस्तों आपका मेडिकल प्रोसेस, जी हाँ दोस्तों आपका मेडिकल प्रोसेस पूरी हो जाएगी उसके बाद में यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो दोस्तों यही चीज है, वो नोटिफिकेशन उन्होंने दिखा रखी है कि मेडिकल से पहले रिजल्ट आएगा और बहुत सारे अभ्यर्थी उनको मेरिट लिस्ट मान रहे। दोस्तों वो मेरिट लिस्ट नहीं है, वो ओनली फॉर रिजल्ट है और आपका रिजल्ट जरूर आएगा मेडिकल से पहले। उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा जो अभ्यर्थी फिजिकल क्वालिफाई हो गए, उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजल्ट में क्या किया जाएगा दोस्तों, रिजल्ट में पास किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा मेडिकल जो आपका होने वाला उसके लिए। और जब आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। दोस्तों आपके कितने नंबर बन रहे, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सी आपकी कैटेगरी है, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि एक न्यू वीडियो में आपके सामने लेके आऊँ जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो। साथ में SSC GD कॉन्स्टेबल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको SSC की जो पोस्ट प्रिपेरेंस है उससे संबंधित अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेडिकल प्रोसेस से चाहिए तो आप जरूर बताइएगा, मैं ताकि आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आराम से पारदर्शिता के साथ में बता दूँ, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स है वो यहाँ पर क्लियर हो सके। तो दोस्तों आपको घबराने की 1% भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये जितने भी बंदे मेडिकल फिट होंगे उन सब अभ्यर्थियों को यहाँ पर SSC GD है वो यहाँ पर जॉब देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी आपकी आने वाली है। ज़्यादा अभ्यर्थी फिजिकली क्वालिफाई नहीं कर पाए तो लगभग सभी को यहाँ पर नौकरी आपकी मिलने वाली है। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, आप अच्छे से मेडिकल प्रोसेस की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अब आपका मेडिकल है उससे संबंधित नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जल्द ही आने वाला है।
अभी तक आपकी डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही कंफर्म होगी दोस्तों आपका मेडिकल है, मैं आपको सामने जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा। साथ में दोस्तों अगर बात करें आपके मेडिकल कब तक हो सकता है, जी हाँ दोस्तों कब तक हो सकता है, तो आपका मेडिकल है दिसंबर में होने के चांसेज है, दिसंबर में आपका मेडिकल शुरू होने के 110% चांसेज है। तो दोस्तों मैं ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिगार्डिंग हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।